मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही प्रशासन की उदासीनता नहीं ले रहा है कोई भी खबर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा से यूपी के रास्ते धड़ल्ले से धान आ रही है व कलेक्टर के आदेश भी बेअसर दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि चुंगी पर कोई भी सक्षम अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठते और दिन भर यूपी के बॉर्डर से भारी मात्रा में धान एमपी खरीदी केंद्रों में लाई जा रही है। बैरियर में मौजूद पीडब्ल्यूडी के चौकीदार के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 10 दिसंबर से लगातार ड्यूटी की जा रही है, जहां से दिन भर में लगभग 10 ट्रैक्टर एवं कई पिकअप धान से लदे हुए निकलते हैं। वह चौकीदारों के द्वारा वाहनों को पूछने के लिए खड़ी कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई भी वाहन ड्राइवर के द्वारा रोका नहीं जाता। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए धान से लदे ये वाहन कब रुकेंगे और कब मध्य प्रदेश के किसानों की फसल के साथ ही उनकी मेहनत का वास्तविक मेहनताना मिल पाएगा। खबरों के देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। क्या नाम है अपना के? नाथ यार। अच्छा, अपना के ड्यूटी चुनगी बॉर्डर में लगी है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर में। तो यहाँ से गाड़ी धान के निकला थी? अच्छा, बराबर निकला थी। उनका रोकी इतनी है, पूछी इतनी है, हाथ दे इतने रुकता है, रोड में हम मार्ग ठोकर चले जाएं तो क्या करें हम। अच्छा, अपना कब से ड्यूटी कही रहे? 10 तारीख से ड्यूटी कही रहे। अच्छा, लगभग कितनी गाड़ी निकला थी दिन भर में? दिन भर में कम से कम 8-10 गाड़ी निकलती धान से लोड पिकअप से, ट्रैक्टर से बराबर निकलते हैं। जब हाथ देते वो बहुत तेज कही देती है। और तेज कही देती जी। अपनों की ड्यूटी लगी है? हाँ लगी। अच्छा, क्या नाम है अपना की? रमेश। कब से ड्यूटी लगी अपना? 10 तारीख से। ये कहाँ पर खड़े हैं अपना? चुनगी मोड़। चुनगी बॉर्डर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर। अच्छा ठीक है, शासन प्रशासन से कुछ मांग है अपना की? दे पुलिस जवान, दे बैरियल दे। हाँ अच्छा, बैरियल दे, पुलिस जवान दे साथ में, है ना? हाँ, तब ड्यूटी तो है। ठीक ठीक।